Oh.
बेवा बना दिया मुझको, दुआई देंगी ये ज़ैनब तूल के आगे, सितमगरों ने बेरिदा फिराया मुझको, बाहर हाश्र में इंसाफ जब करेगा खुदा, मिलेगा मदा का शबीर से सिला मुझको, हुसैन याद है। परवरदिगार पालने वाले ए मेरे मालिक, आज का दिन शबे जुमा है ये, और कल का दिन होगा जो हमारे सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहि सलाम की शहादत की तारीख है। वो इमाम है जिन्हें 14 बरस तक साहिब खाने में रखा गया। चार इमामों के ज़माने से उस जालिम ने लोगों को जहर दिया, छठे इमाम को दिया, पांचवें इमाम को दिया और सातवें इमाम को जहर दिया। ये मेरे मौला सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहि सलाम, आपका जनाजा बड़ी धूम से उठा मौला। मैंने अभी एक जाकिर से सुना था मौला कि आपको 1000 दिरहम का कफन दिया गया, लेकिन जब आप करबला की तरफ देखते होंगे और देख के ये कहते होंगे अरे मेरा दादा बेगुस्सों कफन पड़ा रहा, कोई कफन देने वाला नहीं था। हाँ एक बेटा था जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों पेड़ियाँ, गले में तौके खारदार था, जिसके लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, जिसके खेमों में आग लगाई गई, उसके घर वालों को जायदादियों के बाद वो में रसन बांट कर उन्हें दयाल व दयाल फिराया गया। आप बाबुल हवाज शहजादा अली असगर, वो भी बाबुल हवाज उसी शहजादे का वास्ता, और आपके दादा अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाज बाबुल मुराद, वो भी बाबुल हवाज बाबुल मुराद है। वो दरिया पर पानी लेने गए थे, आप पानी तो न लाए, शाने कटा कर सो गए। हे बाबुल हवाज, हे आका, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमाइए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों दूर कर दीजिए, जो बेरोजगार है उनको रोजगार से लगा दीजिए, जो रोजगार कर रहे हैं उनके रोजगारों में तरक्की अता फरमा दीजिए, नौकर पेशा है उनकी नौकरियों में तरक्की अता फरमा दीजिए और उनकी नौकरियां बरकरार रहे। हे आका, जो बेमकान है उनको मकान अता फरमाइए, जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमाइए। हे बाबुल हवाज बाबुल मुराद, आपसे न मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह ने कहा है कि मैंने इनको सारी कायनात की हुकूमत दे दी है, अब इनके कब्जे में सब कुछ है। ए परवरदिगार, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं आए, सातवें इमाम के वसीले से अगर बीमार है उन्हें शिफा अता फरमाइए, अगर परेशान है उनकी परेशानियों दूर कर दिए, बेरोजगार है उनको रोजगार लगा दिए, जो रोजगार कर रहे उनके रोजगारों में तरक्की अता फरमाए, जो बेमकान है मौला उनको मकान अता फरमाए। ए परवरदिगार पालने वाले, तुझे तेरी इज्जत का सवाल और इमाम का वास्ता, जिसका लाचा लजालिमों ने एक जरा पुल पर ले जाकर रख दिया था, कोई भी उठाने वाला नहीं था, एक काफिला आया और आपके जनाजे का बड़ा एहतमाम कर दिया। ए मौला, आपका जनाजा तो धूम से उठ गया, बाप के दादा के वसीले से मेरी इन तमाम दुआओं को, जो लोग यहाँ पर दुआ गो है दिली तमन्नाएं लेके आते हैं, ए मौला सबकी दिली मुरादों को पूरा कीजिए और सबको सालों साल खुशहाल रखिएगा, किसी बीमारी से दूर रखिएगा, किसी से दूर रखिएगा, सबको दत्ताए गैब चाहता फरमाइए। समाचे दुआ आप आजाद, एक सूरह फातिहा तमाम मोमिनीन मोमिनात के नाम पढ़कर वक्त दें। सैयद मेहंदी हुसैन साहब मरूम के लिए पढ़ दें, इब्ने सैयद हुसैन साहब मरूम माता में हुसैन 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 हुसैन
قادم مولا سن مولا هاي موسي قادم مولا هاي موسي قادم مولا سن 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 مولا بتاؤ تو مجھ کو کفن
کون دے گا بتاؤ تو مجھ کو کفن کون دے گا کہو کیسے بابا اٹھے گا جنازہ مجھے چھوڑ کر بہت یاد آ گیا پٹواری بہت یاد آئے گی اکبر تمہارے بہت یاد آئے گی اکبر تمہارے رلائے گی مجھ کو جدائی تمہارے سکینہ کیا پاؤ سکینہ کیا پاؤ سکینہ کیا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ناظرین رضا السلام علیکم آپ ٹیم شہیدی آفیشیل مرکز اعضاء سلطنت اعضاء مقصد حسین لائف ازداری لکھنؤ ماتم حسینی 786-110 مقصد حسین جانب سے ویڈیو دیکھ رہے تھے اس وقت آپ آغا باقر سے لائیو زیارت کر رہے تھے غریب بغداد کے ماتم امام حسین قاسم علیہ السلام کا تابوت ہے اور انشاءاللہ کل آپ کو زیارت کرائیں گے چھوٹے امام باڑے سے لائیو اسیر بغداد کی ماتم مولا کے تابوت ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ مولا آپ کو شاد و آباد رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے جو پردیس میں اللہ ان کو جلد از جلد اپنے دیس بلائے جو مقروض ہے اللہ ان کے قرض کو جلد از جلد ادا کروائے جو بیمار ہے اللہ انہیں شفائے کو لیے عطا فرمائے جو کسی بھی مشکلوں میں آسے میں مبتلا ہے مولا ان سب کو شفا یاب کرے اور اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے مولا آپ سب کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے بہت بہت شکریہ خدا حافظ